good morning students today we'll cover a new topic in uh, chapter number 6 world after 1945 so partition in, and the unification of germany before i explain you uh, this topic let us move to the next page so students uh, basically this topic gives us the idea about uh, uh, what happened with the germany after the end of world war ii and uh, how the superpowers uh, like America, France, and Britain at that time uh divided the Germany into four parts: uh, Eastern, Western, and uh, Holland. And uh, so, the so here we will get a basic idea that what happened with the Germany after the nineteen forty-five, after the end of uh, Second World War, and and uh, what do Germans did? Uh, German do after the end of World War ii and when they got a uh, Partitioned and uh, uh, how do they uh, made the full effort to be one of the most developed and uh, powerful economy in the Europe. So let us start without wasting the time. All its states administ uh, administration and economic collapsed completely. Okay. Uh, इसमें students ऐसा uh, इनके हिसाब से ऐसा हुआ कि World War Two इन्हीं की वजह से हुआ था पूरा. तो World War Two के खत्म होने के बाद तक जैसे ये खत्म हुआ जर्मनी पूरी दुनिया के साथ साथ जो जो इसमें जो जो देश इसमें शामिल थे युद्ध लड़ने में वॉर में वर्ल्ड वॉर में उनको तो नुकसान हुआ ही लेकिन जर्मनी का सब कुछ ख़त्म हो गया जर्मनी का इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली कंप्लीटली एकदम एक वैनिश हो चुका था ख़त्म हो चुका था बर्बाद हो चुका था सब कुछ वहाँ पर एक सिंगल लार्ज पार्टी भी नहीं थी एक पार्टी तक नहीं थी जो मतलब आ, रूल कर सके जर्मनी को संभाल सके या जर्मनी में कुछ आ, काम अब कर सके ऐसा मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका था बर्बाद हो चुका था पूरा जर्मनी यूरोप में और उसके बाद ऐसा हुआ कि जर्मनी का ये हाल देखकर जो सुपर पावर्स थे उस वक्त लाइक अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन इन तीन कंट्रियों ने मिलकर एक आ, ऐसा मतलब उन्हें लगा डर लगा एक फिया का माहौल हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई आदमी खड़ा हो जाए और फिर से एक मिलिट्री पावर बन जाए और फिर से आगे चलकर इसमें कोई हिटलर जैसा आ जाए और वर्ल्ड वॉर थ्री या कोई ऐसा युद्ध ना छेड़ दे इसके वजह से उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस पूरे इस, आ, कंट्री को डिवाइड कर दें तो जो सोवियत रेड आर्मी थी ये वॉर ख़त्म होने होने के अंत में लास्ट फेज जो था ना उसका उसमें उन्होंने कैप्चर कर लिया ईस्टर्न पार्ट को जर्मनी का जो ईस्टर्न पार्ट था ना उसे कैप्चर कर लिया ओके और सुपर पावर्स जो थे ये तीन इन्हें लगा कि एक ही इसका वे है वे आउट है कि भाई हम इस कंट्री को अगर हमें चाहिए कि शांति चाहिए तो इसे डिवाइड कर दो फोर पार्ट में तो फोर पार्ट में कौन कौन क्या क्या लेगा तो भाई पहला पार्ट जो था ईस्टर्न वो तो जो जो वहाँ पे सोवियत आर्मी थी यानी कि जो कम्युनिस्ट थे कम्युनिस्ट विचारधारा जो थी जिन लोगों की वो लोग वहाँ चले गए उन्होंने उसे कैप्चर कर लिया फिर अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस इन तीन लोगों ने मिल अलग अलग हिस्से को अपने पास रख लिया और रख लिया तो फिर क्या हुआ रखने के बाद रखने के बाद ऐसा हुआ कि अब अमेरिका फ्रांस और ब्रिटेन अब कुछ इसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने के चक्कर में लग गए कि हम इस पर अब और क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए इसके विचार में लग गए और इसी बीच में इनके बीच में एक डिस्ट्रस्ट यानी कि एक भरोसा मतलब थोड़ा सा डगमगा गया इनका थोड़ा मतलब एक इंटरनल कुछ इनके अंदर ऐसा हुआ कि डिस्ट्रस्ट आया और एक शक का माहौल बनने लगा खौफ का माहौल बनने लगा इनके बीच में एक दूसरे के ऊपर ओके okay. दिस वॉज़ एडमिनिस्टर्ड ज्वाइंटली बाई अमेरिका ब्रिटेन एंड फ्रांस ओके तो फिर उन्होंने एक इसी वक्त में अमेरिका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं उन्होंने एक यूरोपियन कंट्रीज होते हैं उन्होंने मिलकर फेडरल रिपब्लिक ऑफ़ जर्मनी का गठन किया और दिस वॉज एडमिनिस्टर्ड जॉइंटली बाय और ये जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ़ जर्मनी इन लोगों ने मिलकर बनाया इसका अध्यक्षता यानी कि इसको एडमिनिस्टर्ड किसने किया अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑन द अदर साइड द सोवियत यूनियन ऑल्सो डिक्लेयर ईस्ट जर्मनी और जो सोवियत यूनियन यानी कि जो सोवियत रेड आर्मी थी जिन्होंने जो मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा के सपोर्टर्स थे जो वहाँ पर आ, शिफ्ट हो चुके थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी में तो वहाँ पर इन लोगों ने तुरंत सोवियत यूनियन ने डिक्लेयर कर दिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी यानी कि अमेरिका फ़्रांस और ब्रिटेन ने क्या किया उन्होंने किया फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और तुरंत इन सोवियत यूनियस के सपोर्टर्स ने क्या किया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी कर दिया और वॉर के ख़त्म होते ही टू इंडिपेंडेंट जर्मनी स्टेट्स अपने एग्जिस्टेंस में आ गए और उन्हें नाम दिया गया वेस्टर्न जर्मनी जो कि डेमोक्रेटिक था और ईस्टर्न जर्मनी जो कम्युनिस्ट था ओके फिर है एस जर्मनी थ्री वेस्टर्न सेगमेंट्स व यूनाइटेड थ्री एडमिनिस्ट्रेशन सेगमेंट्स ऑफ बर्लिन आल्सो यूनाइटेड तो जैसे ही उसका तीन हिस्सा देखो एक हिस्सा था जो ईस्टर्न जर्मनी था वो था किसका वो था उन्हीं लोगों का जिन्होंने जिनके वजह से वर्ल्ड वॉर टू हुआ यानी कि सोवियत यूनियन वालों के वजह से तो उनके अलावा जो तीन हिस्से थे तो उसमें से एक था बर्लिन तो बर्लिन जो है उसके थ्री वेस्टर्न सेगमेंट्स यूनाइटेड हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन सेगमेंट एक बना बर्लिन में वो भी एक यूनाइटेड uh, हो गया इन रिएक्शन टू दिस सोवियत यूनियन इन अप्रैल 1948 फोर्टी एट डिक्लेयर बर्लिन ब्लॉकेड दिस रिजल्टेड इन टू ट्रेमडस टेंशन बिटवीन दोवियत यूनियन एंड दी वेस्टर्न कंट्रीज लेटर ऑन अ हाई एंड फोटी टू किलोमीटर लॉन्ग वॉल सेपरेटेड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बर्लिन मतलब बर्लिन में भी डिवाइडेड हो चुका था एक्चुअली बर्लिन जर्मनी की कैपिटल मानी जाती है ओके okay? लेकिन उसमें ऐसा कुछ हुआ कि जर्मनी का जो बर्लिन था उसके बीचों बीच से दो हिस्सों में उसे वॉल के थ्रू दीवाल बनाकर बांट दिया गया एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न ईस्टर्न किसके पास था स्टूडेंट्स ईस्टर्न था सोवियत वालों के पास में जो कि कम्युनिस्ट थे और वेस्टर्न किसके पास था जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी यूरोपियन उनका सो so, अब इसमें ऐसा हुआ फिर डिवाइड करने के बाद में 42 किलोमीटर लॉन्ग एक वॉल बनाई उन लोगों ने और डिवाइड कर दिया ईस्टर्न और वेस्टर्न बर्लिन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने प्रिवेंट किया थाउजेंड ऑफ़ ईस्टर्न जर्मनी सिटीजन्स मतलब जो कॉम्युनिस्ट के साइड में लोग फंस गए थे उन्हें वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत उन लोगों ने सफ़र किया वर्ल्ड वॉर में तो अब वो लोग समझ चुके थे कि अब यहाँ रहना हमारे लिए सेफ नहीं है क्योंकि ये जो सरकार है कॉम्युनिस्ट ये खाली एक बहुत ही बुरी विचारधारा थी उन्हें ऐसा लगा और वो लोग चाहते थे कि हम अब शिफ्ट होके हम लोग अब शिफ्ट होके चले जाए वेस्टर्न जर्मन में तो उन लोगों ने क्या किया शुरू कर दिया वो दीवार जो फोर्टी टू किलोमीटर लॉन्ग थी ना वॉल बॉलिन की उसको क्रॉस करने की कोशिश करने लगे उस पर से जंप करने की कोशिश करने लगे तो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उन लोगों ने प्रिवेंट किया अगर लोग ही निकल जाएंगे अपने इस कंट्री से तो वो फिर शासन किस पे करेंगे फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी क्या क्या करेंगे वो लोग तो उन लोगों ने उस, उन, उन सिटीजन्स को आ, प्रिवेंट किया वहाँ से जाने के लिए और उनका जाने का मेन रीज़न था ताकि वो फ्री एटमॉसफियर में रह सके आज़ादी के साथ वहाँ जी सके और ये करते करते कि जो ईस्टर्न जर्मन सिटीजन्स जंप करने की कोशिश कर रहे थे वॉल से वेस्टर्न जर्मन की ओर उन लोगों उन लोगों में से कई जैसे कि अगर एक लाख लोगों ने कोशिश की होगी तो उसमें से कई हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत ही कम लोग सेफली उधर पहुंच पाए आफ्टर अबाउट फोर टू फोर एंड हाफ डिकेट्स यानी कि चार या साढ़े चार डिकेट्स के बाद वेस्टर्न जर्मन जो था उन लोगों ने बहुत ही ख़तरनाक तरीके से डेवलपमेंट हासिल किया एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक जर्मन मिरेकल था ये जर्मन ने जो एक भय का माहौल और एक जो आतंकवाद देखा सोवियत वालों का ये जो कम्युनिस्ट का जो देखा रूप उसके बाद उन लोगों ने ठान लिया कि नहीं अब हमें डेवलपमेंट चाहिए और हमें वॉर नहीं डेवलपमेंट की ओर अब बढ़ना है और एक एक बहुत ही रिमार्केबल चेंज आया इकोनॉमी में ईस्टर्न जर्मनी के और ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने लोगों के सारे होप को क्रश करके पॉलिटिकल फ्रीडम और एक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर इस्टेबलिश किया टिल 1990, नाइन्टी मैनी इम्पॉर्टेंट एंड फार फैचिंग चेंजेस टू प्लेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उन्नीस सौ नब्बे तक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दूर तक के चेंजेस आए इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसके वजह से ऐसा माना गया कि जो सुपर पावर्स का जो कोल्ड वॉर था वो अब ख़त्म हो चुका है और इन्हीं इन्हीं ईयर्स में एक विटनेस हुआ एक सोवियत यूनियन में क्रैक एक दरार की एक हमें विटनेस किया अल्टीमेटली सोवियत यूनियन वॉज डिस इंटीग्रेटेड और सोवियत यूनियन जो था उसे ख़त्म कर दिया गया ऐसा ऐसा अवेंस ऐसा कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स अक्टूबर थर्ड नाइनटीन नाइन्टी जर्मन यूनाइटेड मतलब एक सीक्वेंस इसके बाद हमें देखने को मिला कि 1990 में अक्टूबर थर्ड में दोनों ही जर्मन यानी कि जर्मन यानी कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ये दोनों वापिस जुड़ गए यूनाइट हो गए जैसे कि हमने बोला ईस्टर्न था कम्युनिस्ट के पास और वेस्टर्न था सुपर पावर्स के पास लेकिन 1990 में तेड अक्टूबर को फिर से बीच की जो दीवार थी बर्लिन की उसको तोड़ दिया गया और यहाँ पर कोल्ड वॉर का ख़त्म हो गया एरा और साथ में स्टूडेंट्स ये जो डिवाइड था उसको तोड़ने के बाद पूरी जर्मनी एक हो गई और लोग खुश हो गए पीपल कंसिडर डेमोलिशन ऑफ़ द बर्लिन वॉल एज दी एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एरा और ये इसकी खुशी में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जश्न मनाया गया टुडे यूनिफाइड जर्मनी हैज़ टर्नड आउट टू बी द स्ट्रॉगेस्ट इकोनॉमी पावर इन यूरोप और स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि जब आपदा आती है तभी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है स्टूडेंट्स जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका जर्मनी उन्हें एक प्रेरणा मिली उन लोगों ने सोच लिया कि अब ये बर्बादी दोबारा नहीं करनी है और हमें युद्ध नहीं हमें डेवलपमेंट हमें हमारे बच्चों के फ्यूचर की तरफ जाना है अच्छे फ्यूचर की तरफ जाना है और आज जर्मनी जो है जो कि यूनाइटेड जर्मनी है दोनों डिवीजन जो मिल चुके हैं अब तो ये जर्मनी आज स्ट्रॉगेस्ट इकोनॉमिक पावर है पूरे यूरोप में जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट्स इकनॉम जर्मनी में इंजीनियरिंग की स्टडीज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पे एक रुपया भी फीस नहीं लगता है अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो तो स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल सेट किया उन्होंने कि एक एक आपदा से उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सबक सीखा और आगे अपना एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर उन्होंने क्रिएट किया फिर आगे है स्टूडेंट्स आफ्टर नाइनटीन दे हैव हैव अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू बी द स्ट्रॉगेस्ट इकोनॉमी नेशन दे लास्ट टुडे इज इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लीडिंग नेशन इन द यूरोपियन यूनियन फिर है डिसंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन सो स्टूडेंट्स ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगेन ये भी बहुत ही लेंथी टॉपिक है तो इफ़ आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस तो हमें ये वीडियो ट्वेंटी मिनट्स का हो जाएगा सो so, हमें आज ये वीडियो यही एंड करना पड़ेगा एंड द नेक्स्ट वीडियो ये एक टॉपिक कवर करने के बाद मुझे लगता है कि बाकी टॉपिक्स भी बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एंड वी विल इजीली कवर दिस चैप्टर इन द टू वीडियोस आई थिंक दिन इन द लास्ट इन द अपकमिंग टू वीडियोस हम ये चैप्टर कवर कर लेंगे एंड देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट Uh I hope you must all have enjoyed this session uh, till the next video bye bye and thank you